welcome, 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 welcome. बहुत लंबी दौड़. Hi, welcome. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा ट्रेलर. आप सभी को भी शायद बहुत अच्छा लगा होगा. माय हार्टेस्ट कंग्रेचुलेशंस टू सीनू जी एंड ऑल वंडरफुल एक्टर्स. यू लुक ग्रेट एंड आल्सो विश यू ऑल द बेस्ट सर फॉर ऑल फॉर योर फॉर दिस फिल्म. जी मोदी, ऐसा लगता है कि इट्स लाइक एन ऑल एंड आउट एंड आउट एंटरटेनर. यू नो, इट स्टार्ट्स विद लाइक अ लव स्टोरी. देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ ट्रैवल थिंग. देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ स्लाइट कॉमेडी विच आई कैन फील. And then it turns into a very surprise action drama, which I feel is going to be out and out entertainer. My best wishes to Jibhuti. My best wishes that it's such a great multilingual film. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मलयालम में है या हिंदी में है या you know Tamil में कुछ. It's got all the languages. It's you know जो world cinema हम कहते हैं हम देखते हैं. और अभी तो मतलब you know pandemic के बाद OTT वगैरह पे इतना कुछ कंटेंट चल रहा है. दिस फिल्म लुक्स लाइक अ परफेक्ट फिट फॉर द एंटायर वर्ल्ड, ना केवल इंडिया में बट पूरी दुनिया में. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ऐसी फिल्में बन रही है और ऐसी फिल्में और बने. ऐसी हमारी इच्छा है, ऐसी हमारी दुआ है. थैंक यू वंस अगेन एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. वाओ, अब हम आप सबका लॉन्च कर दें. डेफिनेटली जो फिल्म का जो ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, ये पहले होने वाला था सिर्फ एक मलयालम से शुरू हुआ, फिर आगे बढ़ के कुछ और लैंग्वेजेस में गया. मैं डिटेल तो बता रही हूँ आपको, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आकर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि अब ये बीच बीच में जो एक येलो येलो लाइंस हैं वो कब निकलेंगी, मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ. कब ये 100% फुल भर जाएगा और कब सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल, बैक टू एज यूजुअल हो जाएंगी और हम सारे बैठ के, साथ में बैठ के, यहाँ पर बैठ के पॉपकॉर्न खा सकेंगे. फिलहाल वैसे यहाँ तो अलाउड नहीं है अंदर बैठ के पॉपकॉर्न खाना, बट बाहर खा सकते हैं. बट वो जो मज़ा है पॉपकॉर्न खाने का थिएटर के अंदर, वी आर जस्ट मिसिंग दैट. सो होपिंग फॉर द बेस्ट कि आगे सब कुछ सही हो, हम अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं. ओके, तो आज जो फिल्म का ट्रेलर जो लॉन्च हो रहा है उसका नाम है जिबूती. आई नो आप सोच रहे होंगे ये कैसा नाम है, बट जिबूती एक जगह है अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका में या अफ्रीका में, उसी के नाम पर, उसी जगह के नाम पर ये फिल्म का नाम है. तो जिबूती जो एक नाम है वो हर लैंग्वेजेस में, जितनी भी लैंग्वेजेस में ये फिल्म बनेगी, ये सेम नाम रहेगा. ओके, तो जिबूती अफ्रीका में एक है और जगह है, और ये फिल्म की शूटिंग भी वहीं पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हुई है. थोड़ा सा पार्ट केरला में भी हुआ है. सो केरला इज़ माय बर्थ प्लेस, सो आई एम प्राउड ऑफ यू, गॉड्स ओन कंट्री. ओके, ये फिल्म मलयालम, हिंदी, तेलुगू, तमिल, कन्नड़ा और फ्रेंच, इतनी भाषाओं में
रिलीज होने वाली है. ये रिलीज होने वाली है 10 दिसंबर को. सो आई नो 10 दिसंबर अभी थोड़ा सा टाइम है, तब तक प्रे कीजिए कि ये जो बीच में जो एक एक सीट छोड़ के रखने वाली जो बात है वो भी खत्म हो जाए. तो इट्स गोइंग टू बी लाइक रॉकिंग, राइट? ओके, बैनर है ब्लू हिल एंड नाइल कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में. इनका न्यू प्रोडक्शन कंपनी का नाम है नाइल एंड ब्लू हिल मोशन पिक्चर्स. सो ज्यादा वेट ना करते हुए मैं चाहती हूँ सबसे पहले हम ट्रेलर देख लेते हैं, उसके बाद इस फिल्म के जितने किरदार हैं जो भी हमारे साथ इस वक्त हैं उनसे हम मुलाकात करेंगे. तो सबसे पहले हम ट्रेलर देख लेते हैं. तो आई थिंक हमें ये लाइट ऑफ करनी पड़ेगी. जो इनका इंस्टाग्राम हैंडल है मैंने उस पर जाकर के देखा था पहले. आई जस्ट फेल्ट गूज बम्स लाइक ओके. एंड में तो सबसे पहले जब विलन की एंट्री होती है आई वॉज लाइक गॉड इट्स डेफिनेटली गोना किल इट. ओके, तो हम एक एक करके आपको सबसे मिलवाते हैं. मुंबई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है, जो हम कहते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, और यहाँ पर जितने भी हमारी प्रेस मीडिया है उनसे हम इन लोगों से मुलाकात करवा रहे हैं. तो थोड़ा सा लैंग्वेज अगर ज़रा सा ना समझे तो प्लीज़ दोबारा पूछ लीजिएगा, तो कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो. ओके, तो सबसे पहले हम मिलते हैं. किसे मिलना चाहेंगे सबसे पहले? अब हम आपसे पूछते हैं मीडिया जी. सर, किस तरह की मूवी है और आपके किरदार की अगर बात करें? सर, एक्चुअली दिस मूवी इज बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी. माय कैरेक्टर इज प्लेइंग समथिंग व्हिच हैज समबडी हैव फेस्ड द ट्रबल और गॉन थ्रू ऑल द सिचुएशंस. सो द डायरेक्टर एंड द मेकर्स ऑफ द मूवी हैव ट्राइड टू गिव आउट कंप्लीटली व्हाट हैव द कैरेक्टर गॉन थ्रू. सो सिंस इट्स अ कैरेक्टर, यू नो, स्टोरी इज टेलिंग थ्रू द स्टोरी लाइन ऑफ अ कैरेक्टर, ही हैड टू गो थ्रू हिज रोमांस, हिज फैमिली, हिज ट्रेजेडी, his survival. So all this, you know, whenever somebody watch a movie, somebody have to come across action, romance, drama, everything is there in the movie. This is a complete reality wise complete package movie. Everything is there in the movie. Kitna excitement aapko is film ka hissa bana? Sir, totally excited, because this was like a golden opportunity for me, because from me an actor from Kerala doing only Malayalam movies, so I'm getting an opportunity to do an international movie, so that I'm able to, you know, showcase the international subject in different languages in my country, plus international languages also. So I'm so excited to, you know, see how people respond to it. We thoroughly enjoyed. अभी mostly filmें 20% filmें हैं जो हर language में बन रही हैं. हाँ. एक लैंग्वेज में पहले हिंदी में बनती थी या साउथ में बनती थी. हाँ. तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आर्टिस्ट को कितना बड़ा आगे प्लेटफॉर्म मिलता है? Sir, मलयालम, कन्नड़ सब में बनती है आजकल. बिफोर व्हेनेवर मूवीज वर रिलीजिंग देयर वाज ऑलवेज अ, यू नो, एरिया वाइज, स्टेट वाइज, लैंग्वेज वाइज बैरियर. राइट नाउ बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल, people anywhere in the country, when if a movie is getting released in a leading platform also, anywhere in the world, they can watch any language with just a help of, you know, subtitle. Everybody is watching. Otherwise, if a Malayalam movie have to come to Mumbai, somebody from Bombay have to watch a Malayalam movie, only if it has been showcased here they can watch. Right now, anybody using an OTT platform anywhere in the world can watch. You are getting an access to all languages, all type of movie on a press. आप मानते हैं कि साउथ बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, पहले फिल्में साउथ में बनती है, उसके बाद उसकी जो नकल करके बॉलीवुड में बनाई जाती है? करेक्ट सर. बिफोर देयर वाज अ लिमिटेशन, लाइक इफ somebody बाहुबली हो या गजनी हो. करेक्ट. बिफोर इट वाज अ लिमिटेशन, लाइक इफ सम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इज हैपनिंग इन साउथ, somebody फ्रॉम नॉर्थ हैव टू टेक द राइट्स एंड रीमेक in Hindi to showcase to the, you know, other part of the country. Right now people are very much used to watch, when it is Malayalam, Telugu or whatever language, they are watching with the help of, you know, subtitle. They are watching the movie, enjoying the movie. That's a, you know, very good opening of right now the world have, because anywhere in the world you make a movie, there are people to watch it. Ma'am, something you to ji ha, aapka naam pehle aap apna naam bataiye, apne character ka. क्या कहना चाहेंगे फिल्म का हिस्सा बने हैं आप? और बहुत ज्यादा नर्वस हूँ. हमारे
हम लोग पूछते पवन तुम्हारा माइक कैसा लग रहा है, तो हम एक्सपेक्ट तुम्हारे लिए कर रहे हैं, हमारे पूरे फिल्म में तुम्हारा ही माइक आएगा ना, इसीलिए बराबर रखो। चलो ओके, I'm very excited to be a part of this. Since ये हमारे director का dream project है, so उन्होंने जिस तरह से हमें character में डाला है, मुझे help किया है dialect में, and a lot of scenes also which I've never experienced in my life for real, I had to do it in this movie. And I'm very nervous, and I'm very excited. What does Djibouti mean actually? Title जो है Djibouti. Well, जब मैंने first time Djibouti सुना तो मेरे mind में थोड़े तुच्छ तरह के विचार आए, मुझे लगा ये क्या है। सो मेरी जो स्टाइलिस्ट थी उन्होंने मुझे बताया कि Djibouti इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री इन ईस्ट अफ्रीका, एंड वेल या दैट्स हाउ आई गॉट टू नो अबाउट द टाइटल। टुक मी सम टाइम टू लर्न दिस वर्ड Djibouti। क्या वर्ड, इसका मतलब क्या है? आप Djibouti इज अ कंट्री, Djibouti इज एक्चुअली नेम ऑफ ए कंट्री इन ईस्ट अफ्रीका, just like South Africa, what you say, it is a country name, Djibouti, neighboring to Somalia and East Kenya, Africa, east part of Ethiopia. Africa basically. Yeah, ma'am, you would like to say something, something about your introduction and how excited you are and how much did you enjoy doing this film? My name is Atira, I'm a dentist by profession actually. I was called by our director Sasinu sir for this character. My character name is Sharon. It's actually an important character, but it's a small character. Then I had two schedules. My first schedule was in Kerala, Vagaman. Then I went to Djibouti for AB ka shoot. But I got stuck there for around 60 days. I got stuck there for 60 days. Then we finished our shoot, but then we came back. But this is my first movie, debut movie it is, and I'm really excited about this movie. सर आपसे जानना चाहेंगे, साउथ के लोग नहीं दिया तो अभी पहली बार है, फर्स्ट टाइम।